नवोदय विद्यालय समिति के पीजीटी का एग्जाम दिसंबर 2016 में हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। और इस वीडियो में हम इसके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन जिमनास्ट मिस्ड ब्रॉन्ज मेडल इन रियो ओलंपिक्स बाय वेरी लिटिल मार्जिन बट वाज प्रीज्ड फॉर द हाई रिस्क प्रो धुनोवा वॉल्ट। भारत का कौन सा जिमनास्ट बहुत कम अंतर से रियो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करने से चूक गया या चूक गई, पर जिसे अत्यधिक जोखिम भरे प्रोडुनोवा वॉल्ट के लिए प्रशंसा मिली। तो इसके जो आंसर्स हैं, ये जो आंसर की में नवोदय विद्यालय समिति ने फाइनल आंसर की में प्रोवाइड किए थे, उसके अनुसार मैं ये आंसर्स बता रहा हूँ। बाकी आप अपने लेवल पे भी इनको चेक कर सकते हैं, सामान्य जनरल जीके के क्वेश्चंस हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये 2016 के लिए करंट अफेयर्स था, तो अभी जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें ये करंट अफेयर्स नहीं रहेंगे, लेकिन आपको ट्रेंड दिख जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और इसमें जनरल अवेयरनेस में केवल करंट अफेयर्स ही नहीं, बल्कि इसमें स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं, इवन जनरल साइंस से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किन किन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है जनरल अवेयरनेस के लिए, नवोदय विद्यालय के पीजीटी एग्जाम के लिए। चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, जो फर्स्ट पेपर है वो कॉमन रहता है, जनरल रहता है। तो उसके यही आज जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। इसका सही जवाब है दीपा कर्मा का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ब्लॉक प्रिंटिंग मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु। ब्लॉक प्रिंटिंग मुख्य रूप से तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ। बीकानेर इज फेमस फॉर फुलकारी। बीकानेर फुलकारी के लिए प्रसिद्ध है। केरला इज रेनाउंड फॉर इट्स पेंटिंग ऑन आइवरी। हाथी दांत पर पेंटिंग के लिए केरला सुविख्यात है। पिपली फेमस फॉर एप्लिक वर्क इज इन आंध्र प्रदेश। पिपली जो गोटा पट्टा के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें से जो सही है वो है हाथी दांत पर पेंटिंग के लिए केरल सुविख्यात है। केरला इज रनाउंड फॉर इट्स पेंटिंग ऑन आइवरी। नेक्स्ट है, मैरीटाइम ट्रेड इन हरप्पन ईरा इज एविडेंट इन विच ऑफ द साइट्स। निम्न में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है लोथल। लोथल में साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा काल में समुद्री व्यापार के। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट्स वुड एसोसिएट द गिवन वर्ड्स। निम्न शब्दों का संबंध किस खेल से है। वर्ड्स हैं डायमंड, पुल आउट, बेस, पिचिंग। तो ये रिलेटेड हैं बेसबॉल से, रिलेटेड वर्ड्स हैं बेसबॉल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2014 एशियन गेम्स। 2014 के एशियाई खेलों में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं। तो 2014 के एशियाई खेलों की बात है ये। इसका सही जवाब है 11 है। व्हेन यू मिक्स हॉट वाटर इन कोल्ड वाटर द होल वाटर बिकम्स हॉट इन फ्यू मिनट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कन्वेक्शन। जब आप ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाते हैं तो पूरा पानी कुछ मिनटों में गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से जो कथन सेकेंड है ये सही नहीं है, बाकी सही है। बाकी जो सही है उनको खाली मैं पढ़ देता हूँ। हीटरों और ब्लोअरों को धरातल स्तर के निकट रखना चाहिए ताकि ये कन्वेक्शन करंट स्थापित कर सकें, ये सही है। घरों में वेंटिलेटर को कमरे की छत के साथ बनाया जाता है, ये भी सही है। समुद्री हवाएं कन्वेक्शन करंट के कारण पैदा होती हैं, ये भी सही स्टेटमेंट। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। पेड़ पौधों और मवेशियों में पाए जाने वाले एसिड्स कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है कार्बन एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। केवल सही वाला पढ़ लेते हैं। लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन द लेबोरेटरी। लिटमस प्रयोगशाला में सर्वाधिक आम तौर पर प्रयुक्त इंडिकेटर है।
इन ह्यूमन बीइंग्स किडनीज आर लोकेटेड एट द लेवल ऑफ द वेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स कॉल्ड. मनुष्य में दोनों किडनी यानी कि गुर्दा कमर के स्तर पर मेरुदंडीय स्तंभ के दोनों ओर अवस्थित हैं. प्रत्येक किडनी में विशाल संख्या में कुंडलाकृति वाली नलिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है. तो इसका सही जवाब है नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स इनको बोला जाता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट कंसिडर्ड एज पॉल्यूटिंग एजेंट ऑफ एयर. निम्न में से किस गैस को वायु प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता है. तो वायु प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता SO2 को. बाकी CO2, CONO4, NO2 इन सब को माना जाता है पॉल्यूटिंग एजेंट ऑफ एयर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप. निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है. तो इसका सही जवाब है सरसों. मस्टर्ड. मस्टर्ड खरीफ फसल नहीं है, ये रबी की फसल है. सरसों रबी की फसल है. सरसों गेहूं जौ ये रबी की फसल होते हैं. रुई मूंगफली मक्का ये खरीफ की फसल है. कॉटन और ग्राउंडनट मेज ये खरीफ की फसल है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. निम्न में से कौन सा करेक्ट है. तो इनमें से करेक्ट है नेशनल हाईवे 12 NH12 कनेक्ट्स दिल्ली एंड मुंबई. एज पर आंसर की जो करेक्ट है वो मैं दिखा रहा हूँ. मैंने इनका डिटेल मैंने जानकारी इनकी नहीं ली है. हालांकि ज़्यादातर आंसर सही हैं. मैक्सिमम सही होने चाहिए. फाइनल आंसर की है लेकिन आप अपने लेवल पे भी इनको चेक कर लें. व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस. भारतीय रिजर्व बैंक कब अस्तित्व में आया. तो RBI अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1935 को. 1 अप्रैल 1935 को. नेक्स्ट है व्हाट वाज द ड्यूरेशन टाइम पीरियड ऑफ 11th 5-year प्लान इन इंडिया. भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी. तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 12. हु वर्कड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया. तो इसका सही जवाब है BN राव. नेक्स्ट है विच कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की. तो इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह कमेटी. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिया. भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सही है. तो केवल सही कथन को पढ़ लेते हैं. अ पर्सन कंटेस्टिंग फॉर लोकसभा कैन बी रेजिडेंट ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया बट फॉर राज्यसभा ही और सी शुड बी रेजिडेंट ऑफ द सेम स्टेट. लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है. सही बात है. परंतु राज्यसभा के चुनाव के लिए उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए. जैसे कई दफ़ा राज्यसभा के लिए अगर किसी व्यक्ति को जैसे मनमोहन सिंह जी को आसाम से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था तो आसाम में उनका रेजिडेंस दर्शा करके वहाँ का निवासी उनको बनाना पड़ा था. तो कोई भी जब ऐसे राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट का उसको निवासी उसका कुछ जमीन लेकर के उनको निवासी बता देते हैं या किराए पे या जैसे भी पॉसिबल होता है वहाँ का उसको निवासी बना देते हैं तब राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है. नेक्स्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज कैन बी. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है. सही जवाब है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. भारत की संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व हो सकता है केंद्र शासित प्रदेशों का. नेक्स्ट डैश रिकमेंड्स भारत रत्न अवार्ड टू डैश. भारत रत्न पुरस्कार के लिए संस्तुति भेजता है. तो भारत रत्न के पुरस्कार के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री भेजते हैं राष्ट्रपति के पास. प्राइम मिनिस्टर सेंड करते हैं प्रेसिडेंट के पास. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द नोबल प्राइजेज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. निम्न में से किस देश को अर्थशास्त्र के सबसे अधिक नोबल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. तो इसका सही जवाब है USA अमेरिका. USA को सबसे ज़्यादा नोबल पुरस्कार मिले हैं. आप जो ये निशान लगे हुए हैं इन पे नहीं जाएं. जहाँ पे मैं रेड निशान लगाता हूँ जिसको बोलता हूँ उस पे जाएं.
क्योंकि ये जिनका क्वेश्चन पेपर है उन्होंने कुछ उनके सही थे कुछ गलत थे तो अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है हु इस्टेब्लिश्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब है बी आर अंबेडकर ने की। दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल, इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स, इट इज सराउंडिंग द गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, अबाउट डिस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है, यह चारों ओर एक विशाल दीवार से घिरा है, इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं, 2 and 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं, राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है, बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है, यह किस स्थान का विवरण है, तो यह विवरण है पाटलिपुत्र का ये विवरण है। नेक्स्ट है खुद कास्त और पाही कास्त रेफर टू काइंड्स ऑफ डैश इन द 17th सेंचुरी, खुद कास्त और पही कास्त का प्रयोग 17वीं शताब्दी में किसे संदर्भित करने के लिए किया गया है, तो इसका सही जवाब है पीजेंट्स किसानों को। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ पर्शियन व्हील इन इंडिया ड्यूरिंग द 15th-16th सेंचुरी, निम्न में से किस या किन कृति या कृतियों में 15वीं-16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका सही जवाब है केवल वन यानी कि बाबरनामा में जानकारी मिलती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प या विकल्पों को चुनें, तो कथन है अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी मेड इनिशिएटेड इन लोकसभा, भारत के संविधान में संशोधन की पहल केवल लोकसभा में की जा सकती है। नेक्स्ट है इफ अमेंडमेंट चेंजेस द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस नीड्स रेटिफिकेशन फ्रॉम ऑल द इंडियन स्टेट्स, यदि संशोधन से संविधान की संघीय प्रकृति में परिवर्तन होना हो तो इसके लिए सभी भारतीय राज्यों द्वारा अभिपुष्टि की आवश्यकता होगी, नीचे दिए गए विकल्प या विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें, तो इसका सही विकल्प है 3 यानी कि बोथ ए एंड 2 आर इनकरेक्ट, 1 and 2 दोनों ही गलत हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, निम्न में से किस भारतीय राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है भारत में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री का लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है जॉन हिक्स इसका सही जवाब। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेट्स रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाई कस्टमर्स, उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है, तो इसका सही जवाब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट GST एक्ट। विच कंट्री टॉप्ड अ वर्ल्ड वाइड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स दैट मेजर्ड 130 कंट्रीज एबिलिटी टू नर्चर डेवलप एंड डिप्लॉय टैलेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इट वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाई जेनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन सा देश वर्ल्ड वाइड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो आर्थिक विकास के लिए प्रतिभा के पालन पोषण करने विकसित करने और परिनियोजित करने की योग्यता से संबंधित है पर शीर्ष स्थान पर रहा, इसे जेनेवा आधारित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किया गया था, तो इसका सही जवाब है फिनलैंड। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ऑन May 7, 2016 अप्रूव्ड द प्रोविजन ऑफ अ सिंगल नंबर फॉर वेरियस इमरजेंसी सर्विसेज दैट वुड बी सिमिलर टू 911 ऑल इन वन इमरजेंसी सर्विसेज इन द USA, द सिंगल इमरजेंसी नंबर प्रपोज्ड इज द
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 7 मई 2016 को विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के लिए एक एकल नंबर को अनुमोदित किया, जो अमेरिका में सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रयुक्त नंबर 911 के समान होगा। यह प्रस्तावित एकल नंबर क्या है? तो यह प्रस्तावित एकल नंबर था 112112। तो ये थे जीके के क्वेश्चन पीजीटी कॉमर्स 2016 के जनरल पेपर में, जो कि सभी के लिए कॉमन था, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी यही था। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं अलग अलग लाऊंगा। इसके जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं या हिंदी या इंग्लिश के हैं वो भी लाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करें। तो जनरल सभी बाकी सब्जेक्ट के लिए भी उपयोगी होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।